This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने अपने सबसे बेहतरीन ऑफिसर्स को खोया है। जी हाँ, द बेस्ट इज विद द बेस्ट। आपको बता दें कि जो सबसे बेहतरीन टीम थी वो कल CDS रावत के साथ थी और देश ने उन तमाम बड़े अफसरों को खो दिया। आपको बता दें कि इस पूरे घटना में अभी भी एक जाबाज जो है वो इस पूरे हादसे से बच गए और वो अभी अस्पताल में है। लेकिन इसी घटना में आपको बता दें कि एक ब्रिगेडियर रैंक के ब्रिगेडियर LS लिद्दर जो हैं वो इस पूरी घटना में शहीद हो गए, उनका निधन हो गया। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर LS लिद्दर कौन थे और उनको जो उनका योगदान है भारतीय सेना में वो क्या था। दरअसल ब्रिगेडियर LS लिद्दर जो थे वो एक सेकेंड जनरेशन के आर्मी ऑफिसर थे और आपको बता दें कि उनका जो काम करने की उनकी जो शैली थी वो बहुत ही अलग थी और शायद इसी वजह से वो बहुत चर्चा में रहते थे। उनको डिफेंस अटैशे के रूप में भी उन्होंने भारत सरकार में अपनी सेवाएं दी हैं। और आपको बता दें कि LS लिद्दर जो है वो पंचकुला में रहते थे और वो उनका जो जन्म हुआ था वो पंजाब में था, लेकिन बाद में उनका जो परिवार था वो पंचकुला आ गया था। वहाँ पर सेक्टर 12 में उनका घर था और उनकी पत्नी और जो बीवी उनकी पत्नी और उनकी बेटी दिल्ली में उनके साथ रहती थी। आपको बता दें कि पिछले एक साल से वो CDS बिपिन रावत के साथ काम कर रहे थे और जल्द ही उनकी जो पोस्टिंग थी वो भी बदलने वाली थी। जी हाँ, आपको बता दें कि ब्रिगेडियर LS लिद्दर जो थे उनकी पत्नी और उनकी एक 16 साल की बेटी है और अब पूरा जो परिवार है वो शोक में है। कल MI-17V5 में हुए हादसे के बाद हमने अपने सबसे बेहतरीन ऑफिसर्स को खो दिया, उसी में एक थे LS लिद्दर। और आपको बता दें कि LS लिद्दर के जो पिताजी थे वो भी कर्नल रैंक से रिटायर हुए थे और उनके पिताजी भी आर्मी को अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। इसके अलावा LS लिद्दर को विशिष्ट सेवा मेडल, साथ ही साथ उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वो बड़े ही वो लिखने में बहुत ही दिलचस्पी रखते थे और वो चीन को लेकर उन्होंने हाल ही में एक आर्टिकल भी लिखा था। आपको बता दें कि LS लिद्दर का पूरा नाम था ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर और उनकी और उनका जो योगदान था वो बहुत ही सराहनीय रहा है भारतीय सेना में। इसके अलावा उन्होंने 2nd बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स की जो है उसको कमांड किया हुआ है। ब्रिगेडियर लिद्दर का जो मेजर जनरल का जो रैंक था वो भी अप्रूव हो गया था और वो बहुत जल्द ही वो बिपिन रावत के साथ जो काम कर रहे थे उसके बाद उनकी जो अगली तैनाती थी वो कमांडिंग डिवीज़न में होने वाली थी। लेकिन इस बीच में ये हेलीकॉप्टर हादसा होता है और इस देश ने अपने बेहतरीन ऑफिसर्स को खोया, उसमें एक थे LS लिद्दर। लिद्दर ने उस ब्रिगेड को भी कमांड किया है जो हिमाचल बॉर्डर और तिब्बत जो तिब्बत से लगती हिमाचल बॉर्डर है वहाँ पर जो तैनात है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज जो कि नई दिल्ली में है वहाँ से प्रेस्टिजियस कोर्स किया है। इसके अलावा उन्हें मिलिट्री मैटर्स पर लिखने का बड़ा शौक था। उन्होंने सितंबर में हाल ही में आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था चाइना काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज़। उन्होंने ये आर्टिकल लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के लिए लिखा था। आपको बता दें कि इनको इनके जो दोस्त थे वो टोनी नाम कहकर टोनी नाम से बुलाया करते थे और LS लिद्दर जब हम और LS लिद्दर अब जब हमारे बीच नहीं है तो इनके घर के आसपास इनके जानने वाले इनके बारे में इन जो कहानियाँ हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अदम्य साहस का इन्होंने अपने कार्यकाल में परिचय दिया और ये जो भी सोचते थे उसको हमेशा लिखने में यकीन रखते थे। लिखने पढ़ने के बड़े शौकीन थे ये। और ब्रिगेडियर लिद्दर जो थे उन्हें आपको बता दें कि इनको साल 1990 में जब इन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट किया उसके बाद इन्हें कमीशन किया गया था जम्मू कश्मीर राइफल्स की 2nd बटालियन में और बाद में इन्होंने इसी बटालियन को कमांड किया। इसके अलावा इन्होंने टेररिस्ट वाले अभियानों में भी काफ़ी जम्मू कश्मीर में हिस्सा लिया और इसके बाद इन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न सेक्टर में भी ब्रिगेड्स को कमांड किया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी और डायरेक्टर इन मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के अलावा उनकी जो पोस्टिंग थी पहले वो डिफेंस अटैशे के तौर पर इंडियन एम्बेसी जो कजाकिस्तान में है वहाँ पर भी रही है और वो नेशनल डिफेंस कॉलेज के एलुमनाई रह चुके हैं। आपको बता दें कि ये भारतीय सेना के उन सबसे बेहतरीन ऑफिसर्स में से थे जो कि
बिपिन रावत के साथ काम कर रहे थे और अब जब ये नहीं है तो पूरा पंचकुला के साथ साथ पंजाब इस वक्त शोक में है, पूरा देश शोक में है, क्योंकि इस देश ने अपने सबसे बेहतरीन 14 ऑफिसर्स को खोया है। और आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद से पूरे देश में शोक का माहौल है। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर जो लीडर थे वो अपने पिता के साथ पंजाब से 1989 में पंचकुला आ गए थे और यहाँ पर सेक्टर 12 में इनका घर है और यहाँ पर इनका परिवार रहता था। हालांकि इनके पिताजी अब नहीं हैं लेकिन इनकी माताजी अभी भी वहाँ रहती हैं और इनकी जो बेटी और इनकी जो पत्नी हैं वो दिल्ली में रहती हैं। और अगर हम बात करें ब्रिगेडियर एल एस लीडर के बारे में तो इनका जो पूरा करियर रहा है वो बहुत शानदार रहा है, क्योंकि आज जब ये हमारे बीच नहीं है तो हर कोई जो इन्हें याद कर रहा है वो इनके अदम्य साहस के लिए, किस तरीके से इन्होंने अलग अलग कमांड्स को कमांड किया है वो उनके लिए, साथ ही साथ इनकी जो तैनाती रही है जिस इलाकों में, लोग इन्हें वहाँ बहुत याद कर रहे हैं, इनके उन कामों की प्रशंसा कर रहे हैं। और इस वक्त पूरा देश इनके साथ है, इनके परिवार के साथ है, पूरे देश की संवेदनाएं इनके परिवार के साथ है। ब्रिगेडियर एल एस लीडर जो कि पंचकुला निवासी थे वो भी कल जो कन्नूर दुर्घटनाग्रस्त चौपर हुआ है उसमें शहीद हो गए। फिलहाल इस वक्त हम पंचकुला में उनके रेजिडेंस में हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो उनकी धर्मपत्नी है गीतिका, वो स्कूल टीचर हैं पेशे से, वो दिल्ली के लिए निकल गए हैं और उनकी एक 16 साल की बेटी भी है जो कि दिल्ली में पढ़ाई करती है। किस तरह का उनका व्यक्तित्व था अगर हम बात करें, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ उनके पड़ोसी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि व्यक्तित्व कैसा था उनका। आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व था उनका। सर, मेरा नाम विनोद कुमार बोरा है, मैं पड़ोसी हूँ और हम 32 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। उसकी जो पर्सनैलिटी थी, हंसमुख, मिलनसार और बहुत ही अच्छे नेचर का था। मेरे छोटे भाई का फ्रेंड है, मेरा ब्रदर छोटा है, वो भी ब्रिगेडियर है आर्मी में, और काफ़ी जब से आर्मी ज्वाइन की इसने रहे तो बाहर ही हैं ज़्यादा, और जब भी छुट्टी आते थे साल में 2-3 बार, जब भी आना 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए भी आना, तो यहाँ सबको मिल के जाते थे, बिना मिले कभी भी वापस नहीं गए, और अच्छे मिलनसार थे। मिलनसार व्यक्ति थे आपने कहा, कितने समय पहले वो यहाँ पर आए थे? क्योंकि अगर उनके पिता की बात करें, सेकंड जनरेशन ऑफिसर थे, उनके पिताजी भी आर्मी में थे, तो कब यहाँ पर वो आए थे? वो पिछले जून में आए थे, जून या जुलाई में आए थे, 2-4 दिन के लिए मदर को छोड़ने आए थे यहाँ, मदर को उनके सिस्टर के पास छोड़ना था, तो यहाँ पर आए थे तब और मिल के गए थे। बिल्कुल, तो ये इनके पड़ोसी थे जिनका साफ तौर पर यही कहना कि काफ़ी मिलनसार थे वो। और कल जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त चौपर हुआ है तो पूरा देश और साथ में अगर पंचकुला की बात करें तो शोकाकुल है उनके निधन की खबर सुनने पर। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ ललित शर्मा,